गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी की प्रैक्टिकल व्यवहार सीरीज़ में हम अभी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डेफिनेशन के साथ में। एडल्टरेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सटेंस विच आर सिमिलर टू ओरिजिनल ड्रग इन रिस्पेक्ट टू इट्स मॉर्फोलॉजिकल अपेयरेंस बट कंटेन्स लेस और नो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नोन एज एडल्टरेंट। इसको सिंपल भाषा में वाइवा में अगर आंसर देना है तो कैसे बोलेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो ओरिजिनल ड्रग से सिमिलर दिखते हैं पर उनको ओरिजिनल ड्रग के में से थोड़े से कम या लेस क्वान्टिटी में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम एडल्टरेंट कैसे हैं। जैसे सेफ्रॉन इज एडल्ट्रेटेड विद सेफ्लावर। नाउ सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन ओरिजिनल एंटायरली डिफरेंट आर्टिकल इज सोल्ड और यूज इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, क्लोव इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मदर क्लोव। क्लोव जो है ये बर्ड्स है और ये ओरिजिनल ड्रग है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है बाय मदर क्लोव, जिसमें वो क्या है, मदर क्लोव क्या है, फ्रूट है उसका, ठीक है। नाउ एस्ट्रिंजेंट, दीज आर दी सब्सटेंस विच कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू बाय प्रेसिपिटेशन देम। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट टिश्यू में पाए जाते हैं उनको प्रेसिपिटेट करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, एंड ये एक्शन हमको ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू से मिलती है। कार्डियोटॉनिक्स नाम से ही समझना है, दीज आर दी ड्रग्स विच गिव स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेज दी एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स। एग्जाम्पल, डिजिटालिस एंड अर्जुना। नाउ कार्मिनेटिव्स मतलब क्या होता है? द ड्रग्स विच एक्सपेयर्स फैटुलेंस और गैसेस फ्रॉम द जी आई ट्रैक बाय इंक्रीजिंग द पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट आर कॉल्ड एज कार्मिनेटिव। इसमें जितने भी अम्बेलीफेरस फ्रूट्स होते हैं वो सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोरिएंडर, फनल, क्यूमिन, कैरावे, जिंजर, कार्डमम, ये सारे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी वजह से इनको जी आई रेगुलेटर भी कहते हैं। These are the drugs which loosens the bowels from the intestine or the drug which promote defecation, push out excreta from the large intestine. आप लोगों को पता है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकालने की प्रोसेस होती है उसको हम लग्जेटिव बोलते हैं, और इसी जो मतलब लग्जेटिव की जो प्रोसेस होती है उसमें जब अड़चन आ जाती है या डिफ़िकल्टी होती है तो उस प्रोसेस को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो इसको ईजी करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसको हम लग्जेटिव बोलेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल में मेन एलोवेरा, रुबाब, कैस्टर ऑयल, ये सब गुल, सन्ना लीव्स, ये सब हैं, और लग्जेटिव सबसे माइल्ड, उसके बाद परगेटिव, फिर उसके बाद मेगाथार्टिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू बट आर असेंशियली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आर कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स। ऐसे सब्सटेंस जो फार्मुलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पर उनकी कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल एड। एग्जाम्पल में है बीजवैक्स, स्टार्च, क्योलिन, टाल्क, डेक्सट्रोज, एसिटिक एसिड। जैसे डेक्सट्रोज ये स्वीटनिंग एजेंट है, अगर किसी भी फार्मुलेशन में आप स्वीटनिंग एजेंट नहीं डालोगे, जैसे सिरप्स वगैरह बना रहे हैं और वो मीठी नहीं रहेंगी तो वो जो कड़वी दवाई है वो आप पी नहीं सकते, तो मतलब इसको हमने एज अ फार्मास्यूटिकल एड इस्तेमाल किया, उसकी कोई थेरापेटिक एक्शन नहीं है। परफ्यूम्स, दीज आर दी सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स टू इम्पार्ट स्पेशल ओडर टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्लेवरिंग एजेंट मतलब दीज आर दी सब्सटेंस विच आर यूज टू मास्क द बैड टेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ठीक है। तो ऑरेंज ऑयल, जिंजर ऑयल का हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो फ्लेवर्स है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक्स का मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो इस्तेमाल करते हैं वो एंटीसेप्टिक्स है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेंट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं वहाँ पर जब हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का प्रोसेस करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एंटी टसिव मतलब ऐसे एजेंट्स जो ब्रोंकियल मतलब हमारे जो लंग्स में या जो भी कफ डेवलप हो जाता है उसको रिमूवल करने के लिए या उसको एक्सपेल करने के लिए जो भी सिक्रेशंस निकलते हैं उसको बाहर करने के लिए जो भी एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम एंटी टसिव कहते हैं। एग्जाम्पल, वसा का है, तुलसी है, टोलू बालसम है। ना एंटी ट्यूमर ड्रग्स में द ड्रग्स विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज नोन एज एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एग्जाम्पल, विंका, पोडोफाइलम और टेक्सॉन करके बिक रहे हैं ड्रग है, टेक्सॉल करके, वो एंटी ट्यूमर ड्रग्स में आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
डायबिटिक्स मतलब द ड्रग्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज डायबिटिक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल में गोखरू और पुनर्नवा याद रखना है। गोखरू के और पुनर्नवा का जो यूज़ है वो कई तरीके के च्यवनप्राश में भी यूज़ किया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। ऑक्सीडोकिक मतलब ड्रग्स विच इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ यूटेरस इज नोन एज ऑक्सीडोकिक, एग्जाम्पल अर्गोट। एंटी रोमैटिक्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो रोमैटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे जॉइंट पेन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो गूगल कॉल्चिसिन वगैरह उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, एंटी डायबिटिक्स मतलब द ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलाइटस एंड लोअर्स द ग्लूकोज लेवल टू द नॉर्मल लेवल। ठीक है ना, एग्जाम्पल जिमनेमा है, टेरोकार्पस है, ये डायबिटीज़ क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाती है, हार्मोन है वो पैनक्रिया से निकलने वाला। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर दी प्रोटीन सब्सटेंस विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमको भूख लगना, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उस समय एंजाइम्स पेप्सिन करके रिलीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक का सेक्रेशन होता है, जिससे हमको पेट में ऐसे गुड़गुड़ लगती है और हमको लगता है कि हमारा पेट खाना मांग रहा है ना, तो वो हो गया एंजाइम। नाउ विटामिन्स, दीज आर दी सब्सटेंस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी बट नॉट सिंथेसाइज फॉर बाय दी बॉडी। एग्जाम्पल्स में उसमें विटामिन्स में ए बी सी डी आपको पता ही है। अब प्लांट की बात कर रहे हैं या नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं, तो शॉक लीवर ऑयल से हमको विटामिन डी मिलता है और ए मिलता है, ई मिलता है, और विटामिन सी जो है वो हमको आंवला से मिलता है। एंटी लेप्रोटिक्स मतलब ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, और इसमें जो ड्रग है उसका एग्जाम्पल है चौल मुगरा ऑयल। हमको एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, चौल मुगरा ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको गायनोकार्डिया ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ एंटी डिसेंट्रिक में ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री मतलब लूज मोशंस को ठीक करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम एंटी डिसेंट्रिक एजेंट, एपिकैक और कुर्ची उसका एग्जाम्पल है। अगर एपिकैक को आप लो डोज में लेते हैं तो वो एक्सपेक्टोरेंट करके एक्ट करता है। नेक्स्ट, एंटी मलेरियल ड्रग्स विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम स्पेसिस आ जाते हैं, शिवरिंग फीवर स्वेटिंग वोमिटिंग वगैरह उसके सिम्टम्स हैं, एग्जाम्पल सिंकोना बार्क। नाउ एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ड्रग्स विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एग्जाम्पल रोवलफिया, रोवलफिया उसका एग्जाम्पल है। ब्लड प्रेशर जो हो जाता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टर्पिनॉइड्स मतलब टर्पिन्स आर दी हाइड्रोकार्बन विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H8, टर्पिनॉइड्स आर दी हाइड्रोकार्बन एंड दी ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। तो एग्जाम्पल्स में टर्पिन्स जो है ना वो टर्पिनॉइड्स में भी रहते हैं और हायर वोलाटाइल ऑयल वाले में भी पाए जाते हैं। वोलाटाइल ऑयल्स ओडरस एंड कलरलेस प्रिंसिपल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स विच आर इवापोरेटेड एट रूम टेम्परेचर और एयर इज कॉल्ड एज वोलाटाइल ऑयल। ये वोलाटाइल ऑयल कैम्फर आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कपूर जिसको हिंदी में बोलते हैं, सिनामन ऑयल, ये सारे सैंडलवुड ऑयल, ये सभी वोलाटाइल ऑयल के एग्जाम्पल हैं। ग्लाइकोसाइड्स मैंने आपको बताया है इसके पहले भी, आर दे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एसिड और अल्कली गिव शुगर एंड नॉन शुगर रेसिड्यू शुगर कंपोनेंट्स एंड शुगर एंड नॉन शुगर रेसिड्यूज शुगर कंपोनेंट कॉल्ड एज ग्लाइकॉन वेयर एज नॉन शुगर पोर्शन इज कॉल्ड एज अग्लाइकॉन। इसका एग्जाम्पल सन्ना डिजिटालिस रूबाब एलोवेरा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिन्स आर दी अमॉर्फस मिक्सचर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ टर्पिन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मेनली याद रखना है सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड का ये कॉम्बिनेशन होता है, एग्जाम्पल गूगल और कैप्सिकम वगैरह उसके एग्जाम्पल्स हैं। गूगल स्टीरॉन इसमें पाया जाता है। टैनिन्स आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद टिश्यू प्रोटीन्स एंड कॉज प्रेसिपिटेशन इट, उसमें एग्जाम्पल ब्लैक कैटेचू पेल कैटेचू आमला इसका मेन है। ठीक है, नाउ अल्कोलाइड्स आर दी बेसिक नाइट्रोजनस हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन विच एडमिनिस्टर इंटरनली एंड गिव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल में रावलफिया धतूरा नक्सोमिका ओपियम एकोनाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये भी वीडियो प्रिपेयर कर लिया तो आप कई सारे क्वेश्चंस तो वाइवा के दे ही सकते हो, आपको बहुत सारे आंसर्स आ ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।